झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में रामगढ़ जिला समाहरणालय सभाकक्ष में हुई बैठक। बैठक में रामगढ़ उपायुक्त एसपी, मांडू विधायक, रामगढ़ विधायक, बड़कागांव विधायक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक में विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। आज की इस बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा रामगढ़ में 1,37,58,600 रुपए की राशि की योजना का शिलान्यास लिया गया, जिसके उपरांत मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पूर्व मंत्री के द्वारा जिला योजना समिति के पूर्व में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में विभागों के द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षाएं की गई। बैठक के दौरान मंत्री ने पूर्णा के टीसी लहर से बचाव हेतु रामगढ़ जिले में की जा रही तैयारियों की जानकारी उपायुक्त से ली। रामगढ़ जिले के दौरे के दौरान मंत्री के द्वारा जिला समाहरणालय सभा कक्ष में मत्स्य विभाग, JSLPS सहित अन्य विभागों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। के राज्य में COVID-19 के चलते 1.5 बरस देश और प्रदेश उथल पुथल आपदा की स्थिति में हम लोग सोशल डिस्टेंस में रहे, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो मीटिंग समीक्षा नहीं कर पाए थे और ऑनलाइन भी नहीं हुआ। तो आज जिला के विकास के लिए समीक्षा बैठक थी और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं लगभग कुछ चल रहा है, कुछ शुरू होने वाला है, कुछ फाइनल है, तो समीक्षा हुआ। समीक्षा में प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छा है और जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं, काम संतोषजनक है और अभी किसी तरह का शिकायत नहीं मिली है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि रामगढ़ जिला के विकास के लिए सभी विभाग से जो मापदंड है उसे, जो आवंटन मिलता है उसे अधिक से अधिक हम मिले और गांव-गांव में विकास योजनाएं पहुंचे ताकि आम लोगों को, हर समाज को लाभ मिले। रामगढ़ से स्वदेश वाणी के लिए अनुज कुमार की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।